बात करते हैं उड़ान की। यदि आप फ्लाइट पकड़ने के लिए जयपुर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। जयपुर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर बिल्डिंग एक्सपेंशन का काम चल रहा है और यहाँ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जरूरी नहीं कि यह हादसा हर बार की तरह काम करने वाले मजदूरों के साथ हो, आम यात्री भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। आखिर क्यों जयपुर एयरपोर्ट इतनी लापरवाही बरत रहा है, क्यों एयरपोर्ट प्रशासन मौन है, इस पर एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक ऐसी जगह जहां हादसों का इंतजार है, जरा बचिए, कभी भी हो सकता है हादसा। यहां सुरक्षा पर नहीं लापरवाही पर एतबार है। हम बात कर रहे हैं जयपुर एयरपोर्ट की। इन दिनों यहां अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के भवन का विस्तार कार्य तेजी से चल रहा है। एयरपोर्ट प्रशासन डिपार्चर और अराइवल क्षेत्र में भवन का विस्तार करवा रहा है। दोनों हिस्सों में पैसेंजर एरिया को बढ़ाने के लिए बिल्डिंग बनाई जा रही है, लेकिन बिल्डिंग का निर्माण जिस खतरनाक तरीके से किया जा रहा है वो हैरत में डालने वाला है। एयरपोर्ट बिल्डिंग के निर्माण में लगे मजदूरों और कारीगरों को देख कर ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि किसी बिल्डर का प्राइवेट कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं यह एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विस्तार कार्य। यहाँ काम करने वाले कारीगरों और मजदूरों के सिर पर ना तो हेलमेट रहता है, ना ही कमर से सेफ्टी बेल्ट बंधी होती है। ये कारीगर जमीन से 30 से 40 फीट ऊंचाई पर बिना किसी सुरक्षा उपकरणों के काम कर रहे हैं। यही वजह है कि पिछले 6 माह में 2 बड़े हादसे यहाँ हो चुके हैं। हादसा नंबर 1, तारीख 29 दिसम्बर 2018। 40 फीट की ऊंचाई पर काम कर रहा मजदूर इमरान मंसूरी जेट एयरवेज के बैकअप ऑफिस की छत पर गिरा, जिसके चलते मजदूर इमरान मंसूरी को लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। हादसा नंबर 2, तारीख 10 जनवरी 2019। बिल्डिंग में काम कर रहा मजदूर धर्मेंद्र गिरकर घायल हो गया, जिसे ईएचसीसी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जो बमुश्किल बचा। दोनों ही मामलों में कारीगरों की सेफ्टी बेल्ट बंधी हुई नहीं थी। अब आपको बताते हैं कि इन हादसों और लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन है। जयपुर एयरपोर्ट प्रशासन ने एयरपोर्ट टर्मिनल 2 के एक्सपेंशन का कार्य जयपुर के प्रताप नगर की ही एक फर्म SGP इंफ्रा लिमिटेड को दिया हुआ है। ये कंपनी पिछले 10 माह से बिल्डिंग का निर्माण कार्य कर रही है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं कर सकी है। कंपनी की वेबसाइट पर इसके MD, CEO या डायरेक्टर का नाम तक मौजूद नहीं है। जो फोन नंबर कॉन्टेक्ट कॉलम में दिया हुआ है वो गलत नंबर है। इससे ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि एयरपोर्ट जैसे संवेदनशील क्षेत्र में बिल्डिंग निर्माण का कार्य ऐसी कंपनी को क्यों दिया गया, जिसके बारे में कोई अधिकृत जानकारी ही उपलब्ध नहीं है। उससे भी बड़ा सवाल है कि सुरक्षा मानकों को धता बताकर काम कर रही कंपनी पर एयरपोर्ट के अधिकारी आखिर क्यों मेहरबान है। 2 बार हादसे होने के बावजूद भी कंपनी पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। काशीराम चौधरी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। तो देखिए जरा कि किस तरीके से लापरवाही है, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन